नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्टिक्स फोर्डियोर में। दोस्तों, अगर आपको इंस्टेंटली पर्सनल लोन की नीड है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इनक्रेड एप्लीकेशन से पर्सनल लेने का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इनक्रेड मोबाइल एप्लीकेशन से इंस्टेंटली 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और रीपेमेंट करने के लिए आपके पास 5 साल तक का टाइम आपको मिल जाता है। आप चाहे तो 5 साल तक की इजी ईएमआई में आप उसका रीपेमेंट आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको लोन लेने का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा से एक ही बात कहूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप ये मालूम कर पाएंगे कि आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर किन किन बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए और लोन के लिए ऑफर है। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ से ये भी मालूम कर पाएंगे कितने परसेंट अप्रूवल चांसेस हैं। अगर आपको 60% से ज्यादा अप्रूवल चांस मिलते हैं तो वहां से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जरूर अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों वहां से अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जरूर चेक करें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहां से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जरूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इनक्रेड मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टेंटली 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों, हमें यहाँ से इंस्टेंटली पर्सनल लोन लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसा आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर यहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने अभी प्रॉपर पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड का नंबर है उसे यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर देता हूँ। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद इस बॉक्स पर टिक करने के बाद सिंपली आपको सेंड ओटीपी पर करना है क्लिक। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, आपको उस ओटीपी को वैलिडेट कराना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंड ओटीपी पर कर दिया क्लिक। इसके बाद देखिए कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, तो सिंपल यहाँ पर आपको प्रोसीजर पर क्लिक करना है। और जो पैन कार्ड का नंबर नाम है ना जो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, देखिए इनका मनोज कुमार नाम यहाँ पर इनका लिखा हुआ आ चुका है, जो कि पैन कार्ड पर मनोज कुमार नाम ही है उनका। इसके बाद उनके पास एक ओटीपी आ जाएगा, यानी कि आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों, मैं उनसे ओटीपी ले लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं वेरीफाई ओटीपी कर देता हूँ क्लिक। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ओटीपी है वो वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है, कुछ जो बेसिक डिटेल है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपके डॉक्यूमेंट्स में वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंट टाइप चूज करना है, जहाँ पर आप करंट में रहते हैं वो आपका रेंटेड है अपना जो भी है वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर उनका रेंटेड दिखा देता हूँ विद फैमिली, यहाँ पर रेंटेड दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन का जो पर्पस है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो पर्सनल लेने वाले हैं वो किस पर्पस के लिए लोन लेने वाले हैं। तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपका पर्पस हो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मेल फीमेल है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जहाँ पर आप रहते हैं वो पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है, जहाँ पर आप करंट टाइम में रहते हैं वो पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। अपना पिन कोड एंटर करने के बाद में सिंपल यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर कर देना है टैप। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू टैप करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन में एक नया पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पिन कोड गलत कर दिया था, तो यहाँ पर मैं इसे पिन कोड को करेक्ट एंटर करता हूँ, जो कि गाजियाबाद का पिन कोड है 201001 है, वो यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको कुछ फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप किसी कंपनी वर्किंग है तो सैलरी चूज करेंगे, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए वो खुद का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना बिजनेस टाइप आपको चूज करना है कि आप पार्टनरशिप है या फिर प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है जो भी आपकी कंपनी या बिजनेस का टाइप है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद बिजनेस का नाम है, जो बिजनेस नाम से आपका बिजनेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो मंथली इनकम होती है जितनी आपकी होती है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद पिन कोड एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर करना होगा क्लिक। तो देखिए सारी डिटेल मैंने सबमिट कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, आपका सिविल स्कोर वो फेच किया जाएगा।
इसके बाद जितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों आप देखते हैं ये जो एलिजिबल हैं वो 1,95,000 रुपये के अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि यहाँ से 1,95,000 रुपये तक का लोन इंस्टेंटली ये ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड मोबाइल ऐप पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है ऐप को ओपन करने के बाद में। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपको एक एक करके सारी परमिशन को आपको अलाउ करना होगा, जैसे SMS की हो गई या फिर लोकेशन की हो गई, ये सारी परमिशन को आपको एक एक करके अलाउ करना होगा। इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू इसमें आपको लॉगिन हो जाना है इस ऐप में। इसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे आप यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। अब हमें प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यू, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है क्लिक। इसके बाद ये वाला पेज ओपन जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट चूज करना है, जितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको चूज करना है। तो देखिए इनका जो लोड मैक्सिमम लोड अमाउंट है वो 1,95,000 है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 1,00,000 रुपये लेना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अमाउंट को चूज करना है, जितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं। और दोस्तों बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिखा हुआ आपका 2.5% पर मंथ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपको पर्सनल लोन की ज़्यादा ही नीड हो तो ही आप यहाँ से पर्सनल लें, अदरवाइज यहाँ से पर्सनल लोन नहीं लें। अगर आपको ज़्यादा ही पैसे की नीड है तो ही आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करें। यहाँ पर अमाउंट चूज करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम आपको एंटर करना है, जो कि जिस बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उस बैंक का यहाँ पर आपको नाम सर्च करना है। इसमें क्या होगा कि आपको जो स्टेटमेंट है वो अपलोड करनी पड़ेगी PDF में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी क्रेडिट होती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अपलोड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लास्ट 4 मंथ की जो स्टेटमेंट है, यानी 3 या 4 मंथ की जो स्टेटमेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो यहाँ पर आपको PDF में उसे अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट आप जो अपलोड करेंगे उसका रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट जो पैसा है वो क्रेडिट किया जाएगा अप्रूव होने के बाद में। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। देखिए अपलोड कर दिया है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपकी जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई कराना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन चूज करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर नया में यहाँ पर अकाउंट नंबर IFSC कोड एंटर करेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड पर करना है क्लिक। जैसा प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम है वो यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा, जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट है। देखिए यहाँ पर देखिए अकाउंट होल्डर का नाम है वो लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले आपको सेल्फी भी कैप्चर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं लोकेशन की परमिशन को पहले अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद आपको सेल्फी अपलोड भी करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेल्फी अपलोड करने के बाद में आपकी ये वाला पेज ओपन जाएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो करंट एड्रेस है आपका लोकल वाला जहाँ पर आप रहते हैं वो यहाँ पर आपको प्रॉपरली फिल कर देना है, फ्लैट नंबर हाउस नंबर सहित, और इसके बाद ब्लॉक वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर KYC यहाँ पर विद आधार कार्ड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला पेज ओपन जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होगा, जो कि OTP के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करा पाएंगे। इसमें क्या होगा कि ऑफलाइन आधार कार्ड इनका जो आपका जो ऑफलाइन आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा, आधार कार्ड यानी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपको OTP वैलिडेट करने के बाद में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा उनके पास, वो आपके आधार कार्ड को देख पाएंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप बचेगा वीडियो KYC का। वीडियो KYC करने के लिए सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आपको रखना है, एक ब्लैंक पेपर आपको अपने पास में रखना है, ये सब कुछ यहाँ पर रखना है। और वीडियो जब आप KYC करेंगे तो आप अपने करंट एड्रेस पर ही वीडियो KYC करें या फिर ऑफिस वाले एड्रेस पर ही करें, इन दोनों एड्रेस में से आप कहीं पर भी वीडियो KYC कंप्लीटली कर सकते हैं। और 3 से 4 घंटे के अंदर, कुछ घंटे के अंदर भी आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जब वीडियो KYC आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसीड टू वीडियो KYC, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो KYC का जो कैमरा वगैरह है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना है। वीडियो KYC में कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा, ऑफिस एड्रेस पूछा जा सकता है, पिन कोड पूछा जा सकता है, ये सब कुछ पूछेंगे बस। इसके बाद आपको जो वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और कुछ घंटे के अंदर ही आपका जो बैंक अकाउंट पैसा लोन वाला वो क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनक्रेड मोबाइल एप्लीकेशन से इंस्टेंटली पर्सनल लोन ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।